सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड, बाकी कल हम लोग ने पिंज लगा दिया। ये जो पिंज है या भाई, हमारा पिंज है। और हमने जो फूलगोभी उलगोभी रोपा था, वो देखिए फूलगोभी है जो बड़ा बड़ा हो चुका है। अब अभी इसमें जो फूल नहीं निकला है, अभी फूल निकलने में लगता है कुछ समय लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मुरई उरई का जो बीचा बोया था, उन्हें मुरई उरई तैयार हो गया है। और देखिए धनिया उनिया सब कुछ तैयार हो गया है। धनिया है इधर, मुरई उरई रोपा हुआ है इसमें। बाकी इसको जो हमने पटा दिया, कोड़ कोड़ दिया इसको, इसमें तो हम लोग क्या बुनेंगे, इसमें बुनेंगे प्याज का गाछी। तो बाकी देखिए हमारा उधर साइड में जो है लहसुन उसुन है जो बड़ा बड़ा हो चुका है, मतलब कि इसका जो पेड़ होता है वो बड़ा बड़ा हो चुका है। और इसमें देखिए मुराई का पेड़ इधर भी रोपा हुआ है। और ये हमारा हमारा केला का पेड़ है। और जो यहाँ पर देखिए मिर्चा उर्चा जो रोपे हैं, यहाँ पर पेड़ है जो बड़ा बड़ा हो गया है। और यहाँ पे टमाटर का पेड़ जो फूल लगने स्टार्ट हो गया है, चालू हो गया। तो देखिए लहसुन जो रोपे हैं ये भी बड़ा बड़ा हो चुका है पौधा। इधर परावा लहसुन है, उधर मगहिया लहसुन रोप दिए हैं। और देखिए देख चारों तरफ जो मुरई का आपको ये नज़र आ रहा है, चारों तरफ मुरई का गाछ पेड़ रोप दिए, लगा दिए। खाने के लिए जो समय काम आता है, रोटी वोटी चावल उवल में खाने के जो काम आता है। और इधर हम लोग का बैंगन उगन रोपा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं बैंगन रोप रहे हैं। इधर सब्जी खाने का काम आता है, बैंगन रोपा हुआ है। ललका उधर का दोनों बैंगन फरता है। मिर्चाई का पेड़ यहाँ पर देखिए, इसमें मिर्चाई लगा हुआ है। इधर परोर का पेड़, यहाँ देखिए जानवर भी बना हुआ है पोल के पास। और उधर केले का पेड़, इसमें केला निकल चुका है, दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए केला है इधर, इधर निकला हुआ है केला, इधर 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 भी केला ही है फूटने वाला होगा। यहाँ पर देखिए बैतल उधर रोप दिए हैं जो सब्जी वब्जी खाने का काम आएगा। और यहाँ पपीते का पेड़ देखिए, ये पपीता भी तैयार हो चुका है। और इधर अमदूर का पेड़ है, नदी की तरफ घूमने के लिए आए हुए हैं। तो जो सरकारी का पेड़ रोप पाता है, वो पेड़ बड़ा बड़ा हो चुका है। बाकी यहाँ देख रहे हैं आप जो जो घेरे में सब पेड़ है, जो सरकारी पेड़ रोपा है वो बड़ा बड़ा हो चुका है। तो अभी इसमें पटाने पानी उनी डालेंगे, पटाने उड़ाने का काम चलेगा। बाकी इधर है महुआ का पेड़ है और आम का पेड़ है। देखिए ये दो वो आम का पेड़ है, एक ये दूसरे का है। जो अगला पेड़ है वो मेरा पेड़ है आम का। और जो गुल्लड़ का पेड़ भी आपको जो नज़र आ रहा है, वो भी मेरा है। तो बाकी अभी नदी में पानी है जो कम गया है, तो इसमें देखिए कितना अकमन उकमन का पेड़ भरा हुआ है। तो अभी मतलब कि रोड पर चल रहे हैं और कितना रोड है जो ख़राब हो चुका है स्थिति इसके। देखिए ऊपर खबड़ है रोड। और बाकी यहाँ पर देखिए जंगल, पूरा जंगल जंगल भरा हुआ है। बैर का कांटे का पेड़ है जो पूरा भरा हुआ। यहाँ पर गुल्लड़ का पेड़ जलम गया है, बड़ा हो चुका है, छोटा था तो बड़ा हो चुका है। यहाँ पूरा जंगल जंगल है, आपको जितना हिसाब है जंगल जंगल नज़र आएगा इधर पूरा। तो फ्रेंड बाकी भट्टे पर पहुँच गए हैं जहाँ ईटा उटा पड़ जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं भट्टे के जो पीछे का, यहाँ पर धनिया पालक और मुरई उरई सब कुछ रोपा हुआ है। और उधर भी आलू का पेड़ रोपा हुआ। बाकी यहाँ पर जो यार्ड बना हुआ है, ये जो फाइनेंसर से लोग गाड़ी खींच कर लाता है और यहाँ पर लगा देते हैं। तो छुड़ाना होता है तो यहाँ से छुड़ जाता है, नहीं तो चला जाता है रजौली जहाँ इसका मेन गोदाम है, वहाँ पे चला जाता है। और बाकी उसमें देखिए बकरी उकड़ी पालन का काम चल रहा है। ये बकरी उकड़ी ला के रखे हैं यहाँ पर, मतलब कि चरने के लिए। शाम को अपना यहाँ इसे रूम में बंद हो जाता है, रूम में ही बना हुआ है वहाँ पर उसका। देखिए रूम जो है बना हुआ वहाँ पर, उसमें बकरी बंद कर देते हैं रात को, बाकी दिन में ही खोल देते हैं। तो यहाँ पर जो भट्टा में बहुत बड़ा है, जो भट्टा का बहुत बड़ा है, मतलब लमसम 5-6-7-8 बीघा के प्लॉट में ये बना हुआ है बिल्कुल भट्टा। और जो भट्टा फूकाता है उसको वहाँ पर देख सकते हैं, भट्टा फूकने वाला है चिमनी। तो अभी यहाँ पर जो बगीचा है, यहाँ पर मैच उच खेलते हैं लड़के लोग, मैच उच खेलते हैं। अभी है नहीं तो ठंडा का समय है, तो दोपहरिया से मैच यहाँ पर लोग खेलते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए भवन बना हुआ है, समुदाय भवन। तो बाकी ये जो पंचायत भवन बना हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। पंचायत सरकार भवन मोहन चक सलामपुर नालंदा बिहार, सब मतलब कि जो जो चीज़ है लिखना उसमें सब कुछ लिख दिया है। देखो वहाँ पर लिखा हुआ मोहन चक पंचायत सरकार भवन मोहन चक। और इसका अंदर का जो बहुत अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पर, ये असलपुर के फील्ड में है। तो यहाँ पर लड़कर मैच उच खेलते हैं, यहाँ पर बना हुआ है, ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पर देखिए पौधा पेड़ उड़ का फोटो वोटू मतलब बना दिया है। और यहाँ पर देखिए गांधी जी का चित्र भी बना दिया है।
तो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये अभी अभी नया ही बना है, फिलहाल ही कुछ महीना हुआ है बना हुआ इसको, और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो आ गए हैं रसलपुर गांव की तरफ, जो रसलपुर गांव का खेत है, इधर आए हुए घूमने के लिए। तो देख सकते हैं इधर राहड़ उहर पूरा है, राहड़ लगा हुआ है और तारूर का पेड़ पूरा है। बाकी आपको जितना ये नज़र आ रहा है सब में आलू उलू रोपा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक जितना हरा हरा मतलब का नज़र आ रहा है सब में आलू रोपा हुआ है। और उधर देखिए वो पत्ता पीला पीला नज़र आ रहा है आपको, वो हल्दी का पेड़ रोपा, हल्दी रोपा हुआ है। तो हल्दी लगता है तैयार हो गया है, तो पत्ता देखिए जरने लगा, तो हल्दी का मतलब तैयार हो गया। तो यहाँ पर जितना भी है मतलब कि आलू है, पालक है, धनिया सब कुछ मतलब बुना हुआ है इधर। और इधर देखिए ये है पूरा हमारे गांव का नदी का जो पानी बहता हुआ, यहाँ से बहता हुआ इधर जाता है, मतलब ये पूरा भरा हुआ है, नदी है लेकिन ये भरा हुआ है, पूरा जंगल जंगल पूरा भरा हुआ है, अकमन का पेड़ में पूरा भरा हुआ है। तो मतलब ये पानी निकलने का जो स्रोत है जो बंद हो चुका है, मतलब आगे तक ही है, थोड़ा सा दूर तक है इसका स्रोत पानी निकलने का उधर से। तो फ्रेंड बाकी जो टहलने वाले के लिए हम आए हुए थे, तो टहलना वहलना हो गया है, तो चलते हैं घर की ओर, क्योंकि अभी फ़िलहाल काम है, खेत जोतना है, 2 बीघा खेत जोतना है, तो खाद बिना है सब कुछ रेडी किया हुआ है। तो जाते हैं ट्रैक्टर को निकालते हैं, खेतों की जुताई करते हैं। तो अगर फ्रेंड बाकी ट्रैक्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा है, इसको स्टार्ट करेंगे अभी। तो ट्रैक्टर में बैठ चुके हैं, इधर चाबी लगा दी है, इधर गियर न्यूट्रल कर दी है, चाबी कर दी है, स्टार्ट हो गया ये। खेत में गाड़ी लाकर लगा दी, इस खेत को जोतना है। यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे खाद बिना सब कुछ रखा हुआ है, बाकी खाद उद अभी खेत में जो है बुना रहा है, तो ये खेत जोतना है, ये खेत दोनों खेत जोतना है। तो ट्रैक्टर लाकर लगा दिए हैं, बाकी देखिए बुना रहा है फ्रेंड, जो बाकी खेत जोतना था वो खेत जोत लिए हैं, ये खेत को जोतना था जोत दिए हैं, और ट्रैक्टर यहाँ पर लगा है। तो खेत जोतने का काम था जो ख़त्म हो गया है, तो अब गाड़ी को लगाने के लिए घर पर ले जा रहे हैं। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, कमेंट करें। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।